हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होप तो सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई लोग, आज हम लोग बात करेंगे डंकी और सलार के एडवांस के बारे में, क्योंकि दोनों फिल्में आपस में क्लैश कर रही हैं। तो हम पता होना चाहिए कि भाई कौन सी मूवी आगे जा रही है, कौन सी मूवी आगे नहीं जा रही। तो अभी तक दोनों मूवीज़ का जो ओवरसीज़ में एडवांस बुकिंग ओपन हो चुका है, कुछ कुछ कंट्रीज़ में ओपन हुआ है और कुछ में अभी तक ओपन नहीं हुआ। तो जिन जिन कंट्री में ओपन हुआ है, हम उसका कंपेरिजन करके देखते हैं कि डंकी कहाँ पर है और सलार कहाँ पर है। अगर हम मैं आप लोगों को वैसे सिंपल वर्ड में बताऊँ, तो डंकी जो है वो 60-70% आगे है सलार से, और सलार जो है वो 30%, 30%, 25, 30% यहाँ तक है। इतना मतलब मार्जिन है दोनों के स्क्रीन्स का डिफरेंस। अगर डंकी को कहीं पर 10 स्क्रीन मिल रही है, तो वहीं पर सलार को जो है वो 3 या 4 स्क्रीन मिल रही है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है। गल्फ़ कंट्रीज़ में तो डंकी का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कितना कितना स्क्रीन का डिफरेंस मिल रहा है दोनों को। तो अभी तक जो एडवांस बुकिंग वो ओपन हो चुकी है डंकी की और सलार की, सबसे पहले बहरीन की बात करेंगे। तो बहरीन में जो सलार है उसको सिर्फ 5 शोज़ मिले हैं और जो डंकी है उसको 12 शोज़ मिले हैं। तो भाई लोग, गल्फ कंट्रीज़ में तो शाहरुख खान का मुकाबला ही कोई नहीं। कोई बंदा वहाँ पर शाहरुख खान का मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे वो जो जौन सी मर्जी कंट्री का स्टार हो, शाहरुख खान गल्फ़ में कोई नहीं पकड़ सकता। गल्फ़ बोलते हैं ये सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, UAE, इन सारी कंट्रीज़ में शाहरुख खान को कोई पकड़ ही नहीं सकता। उसके बाद अगर हम लंदन की बात करें, तो लंदन में एक जगह पे शोज़ ओपन हुए हैं, तो वहाँ पर सलार को सिर्फ 1 शो मिला है, जबकि डंकी को 9 शो मिले हैं। तो भाई लोग, यहाँ पर क्रेज़ चेक कर लो सलार का और साथ में डंकी का। शाहरुख खान का और प्रभास का कोई मैच ही नहीं है ओवरसीज़ के अंदर। तो इंडिया में भी हिंदी मार्केट में यही सीन है। और दूसरी बात, अगर हम UAE की बात करें, तो UAE में जो शाहरुख खान की फिल्म है डंकी, उसको मिली है 120 शोज़, यानी 120 स्क्रीन। और जो है हमारे पास सलार, उसको मिली है 61। यहाँ पर सलार थोड़ा ठीक है, लेकिन बाकी सारी जगह पर बिल्कुल ही ध्वस्त हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर 50-60% का जो है वो परसेंटेज निकल रही है। तो अभी तक अगर बुकिंग के बारे में बात करें, तो शाहरुख खान जो है वो 70-60% से लीड कर रहे हैं, और जो सलार मूवी है या प्रभास जो है वो अभी तक 30-40% तक जो है वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अभी आने वाले दिन में जब प्रॉपर ओपनिंग हो जाएगी वर्ल्ड वाइड, तब पता चलेगा कि क्या सीन है और कौन सी मूवी ज़्यादा आगे जा रही है। तो अगर अभी तक की बात करें, तो डंकी बहुत आगे है और सलार इससे बहुत ज़्यादा पीछे है। तो आप लोगों को ये भी बता देता कि सिर्फ शाहरुख खान ही ऐसे बड़े सुपरस्टार हैं जिन्होंने 2000 करोड़ की मूवी दी है, यानी कि जवान भी 1000 करोड़ वाली और पठान भी 1000 करोड़ वाली। बॉलीवुड के इकलौते ऐसे स्टार हैं, बाकी जितने भी उन्होंने 1-1 हज़ार करोड़ वाली दी हुई, लेकिन 2 वाली किसी ने भी नहीं दी। तो शाहरुख खान का क्रेज़ बढ़िया है, ज़बरदस्त है, इसका कोई मैच नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि डेली की डेली अपडेट्स में आ सकूं। शेयर करता रहूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़।